कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली एक दशमलव तीन का प्रश्न नंबर चार चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स इस प्रश्नावली का पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं लिंक मैंने इस वीडियो लास्ट में दे दिया है आप उन सवालों को भी देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो चलिए सवाल नंबर चार को सॉल्व करते हैं सवाल नंबर चार हमें स्टूडेंट्स दिया है माइनस एक गुणा पाँच से आरंभ करके यानी माइनस पाँच गुणा एक से शुरू करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर प्लस एक को निरूपित कीजिए इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कोई पैटर्न बनाना है और ये पैटर्न कैसा होना चाहिए गुणनफलों का पैटर्न होना चाहिए और इस पैटर्न को हमें माइनस एक गुणा पाँच से शुरू करना है और पैटर्न बनाते बनाते लास्ट में हमें माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर प्लस एक को दिखा देना है तो ये पैटर्न क्या होता है जैसे कि मैं कहूं एक प्लस एक कितना होता है दो ठीक है फिर मैं कहूं एक प्लस दो तो ये होता है तीन फिर मैं कहूं एक प्लस तीन तो ये होता है चार फिर मैं कहूं एक प्लस चार तो ये हो जाएगा पांच ठीक है तो ये क्या है यह पैटर्न है लेकिन ये पैटर्न किसका प्लस का है हमें इसमें पैटर्न किसका बनाना है गुणनफल का ठीक है चलिए इसको सॉल्व करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं इसको रफ कर देता हूं और सॉल्व करते हैं ठीक है ठीके? अगर आपको सवाल समझ में आ जाए स्टूडेंट्स तो प्लीज एक लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए हल लिख लेते हैं यहां पर हल हमें क्या करना है पैटर्न बनाना है शुरू कहां से करना है माइनस एक गुणा पांच ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस एक गुणा पांच क्या होता है माइनस एक से किसी भी धनात्मक संख्या को अगर आप गुणा करेंगे तो आपको वही संख्या ऋणात्मक मिलेगी यानी माइनस में प्राप्त हो जाएगी ठीक है पांच गुणा एक पांच एक कम पांच होता है एक माइनस का है और पांच प्लस का है तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस ठीक है तो हमने क्या किया माइनस एक गुणा पांच से शुरू किया और इसका सोल्यूशन हमें मिला माइनस पांच अब हमें क्या करना है घटते हुए क्रम में चले जाना है चार पांच फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक इस टाइप से क्यों क्योंकि हमें यहां पर माइनस एक तक जाना है यानी नीचे जाना है घटते हुए क्रम में जाना है ठीक है तो अब हम ले लेंगे माइनस एक गुणा क्या ले यहां पर चार क्या मिलेगा हमें यहां माइनस चार माइनस एक की गुणा चार से करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस चार ठीक है फिर हम क्या लेंगे माइनस एक गुणा तीन यहां पर हमें घट्टा क्रम रखना है ठीक है माइनस एक गुणा तीन कितना होता है माइनस तीन फिर हम लेंगे माइनस एक गुणा दो कितना होगा माइनस दो क्या होगा माइनस दो फिर हम लेंगे माइनस एक गुणा एक तो क्या मिलेगा हमें माइनस का एक ठीक है अब हम लेंगे माइनस एक गुणा एक से छोटी संख्या जीरो तो हमें मिलेगा जीरो जीरो की गुणा आप चाहे माइनस एक से करें चाहे प्लस एक से करें आपको उत्तर क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा मतलब है कि जीरो से अगर हम प्लस वाली संख्या को गुणा करें या माइनस वाली संख्या को गुणा करें उत्तर हमें जीरो ही मिलता है ठीक है अब हम लेंगे माइनस एक गुणा जीरो से छोटी संख्या माइनस एक ठीक है तो हमें क्या मिलेगा एक गुणा एक एक और माइनस गुणा माइनस प्लस शुरू में हम प्लस लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपने देखा हमने यहां लास्ट में क्या पैटर्न ले लिया माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर प्लस एक ठीक है माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर प्लस एक और शुरू में हमने लिया है माइनस एक गुणा पांच माइनस एक गुणा पांच ठीक है यह हमारा एक पैटर्न हो गया हमने यहां पर पूर्णांकों को घटते क्रम में लिया है पांच चार तीन दो एक जीरो माइनस एक और इधर हमें क्या मिला है पूर्णांकों का बढ़ता क्रम माइनस चार माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक है ना ठीक है तो ये पैटर्न हो गया और किस में है ये गुणा में है तो ये हमारा आंसर हो जाता है ठीक है आप इसको लिख लें उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद